हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए गाइस, देखते हैं आज एंजल्स हमको क्या गाइड कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए हमको बता रहे हैं, हमें समझाना चाहते हैं, हमें रोकना चाहते हैं, ऐसे कौन से काम हैं। फर्स्ट कार्ड निकला है हमारा, सेकेंड, थर्ड, आई होप आप लोग को दिख रहे हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज है एंजल्स का हमारे लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगर यदि आप कोई काम सोच रहे हैं करने का, थोड़ा सा रुक जाइए, या कुछ नया करना शुरू करना चाहते हैं, या किसी चीज को लेके किसी से बात किसी विषय में करने वाले, तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा टाइम रुकिए, कुछ हफ्ते रुक जाइए। आपका सही समय अभी नहीं है, हो सकता है वो काम करने जा रहे हैं, वो काम आपका बिगड़ सकता है। ये उन लोगों के लिए कहा गया है, परफेक्ट टाइमिंग उन लोगों के लिए आ गया है जो काम पहले से करते आ रहे थे, बीच में उन्होंने रोक दिया था। न्यू काम नहीं है, जो पुराना काम करते आ रहे थे और बीच में उन्होंने रोक दिया था, तो वो शुरू करने का समय उनका आ गया है। ये परफेक्ट टाइम उन लोगों के लिए है, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी कहा जा रहा है, एक्शन लेने का उनका समय आ गया, जो काफ़ी टाइम से किसी बात को लेकर परेशान थे या कुछ काम ऐसा करना चाहते थे वो अवॉइड कर रहे थे, तो आपका टाइमिंग आ गया, आप बिल्कुल उस चीज़ के लिए एक्शन ले सकते हैं। यदि कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं या, तो थोड़ा सा रुकिए, सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए। यदि आपके मन में काफ़ी टाइम से कोई प्रश्न उठ रहा था, ये काम होगा या नहीं होगा या करें या नहीं, तो उसका आंसर नो है गाइस, थोड़ा रुकिए, अभी आंसर नो आ रहा है। ये जो है करेंट फीलिंग है, करेंट आप लोग की फीलिंग्स के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से ये आंसर दिए जा रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए नहीं बोला जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। काफ़ी टाइम से यहाँ लग रहा है किसी दो पर्सन के बीच में तूतू मैं हो रही थी, अब कहा जा रहा है अब थमिए, रुकिए, नहीं तो बात बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है, तो स्टॉप करिए, यहाँ पे अपना गुस्सा शांत करिए और आपस में मिल बैठकर बैठिए और बातें करिए। ये थोड़ा अजीब सा आपको लगेगा कि ये रीडिंग कैसी हो रही है, तो गाइज़ ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए, उन तक ये रीडिंग पहुंच जाएगी और उनको ये चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी कि उनके लिए ये कहा जा रहा है। तो आई होप जो काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे थे अपने क्वेश्चंस को लेके, उनको उनका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच।